सभी हमारे प्रेस के सम्मानित साथीगण, सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, युवा नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपको पता ही है, हरियाणा में और पूरे देश के अंदर कल चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं। कल जिस मोदी मॉडल के माध्यम से पूरे देश को 5 साल में लूटा गया, कल उस लूट का भी आखिरी दिन संभवतः वो था, ऐसा हमें भी लगता है और इस मुल्क की 125 करोड़ आबादी भी ये मानती है कि 2019 के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार होगी। और जिस तरीके से किसान, मजदूर, नौजवान, उनके हितों के ऊपर प्रहार हुआ, कर्मचारियों से जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए, भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन को 5 साल तरस गए, देश को लोकपाल नहीं मिला, और तमाम मुद्दे, आज महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, स्वच्छता अभियान के नाम पे लाखों करोड़ रुपया लूट लिया गया, तो ये सारी बातें, बड़े बड़े जो और भ्रष्टाचार के मामले आए देश और प्रदेश में, अब कांग्रेस पार्टी उनको और मजबूती के साथ, हमने 5 साल विपक्ष की भूमिका केंद्र और प्रदेश में भी निभाई और इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उतरेंगे। और जब 12 मई को वोट पड़ेंगी तो निश्चित है कि हरियाणा से भी और इस मुल्क से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाने का काम छत्तीस बिरादरी और सभी वर्ग मिल करके करेंगे। आज मौका मिला, जिनमें बीच में एक दोबारा वैसे आए दूसरे कार्यक्रम में, आज फिर एक बार आने का मौका मिला, मैं तो धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का जिन्होंने मेहनत की। और यही हम कहना चाहेंगे जींद की धरती से कि जींद उपचुनाव के अंदर हम इस बात को कहते भी थे कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, पूरा धनबल का प्रयोग किया गया और जिन लोगों के माध्यम से वो किया उनको सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रिवार्ड देने का भी काम किया। और पिछले दिनों जो बदली हुई, यहाँ पे यहाँ के उपायुक्त महोदय को गुड़गांव की प्लम पोस्ट देना, वो जो हम कहते थे उस बात का सबूत है। और क्या क्या उन्होंने किया वो तो वो भी जानते हैं, कैसे सरपंचों को ले जा करके करनाल में मिलवाया जाता था एक एक करके, कैसे दूसरे लोगों को और किया जाता था, हर तरह का प्रलोभन दिया गया। और अब देखते हैं कि जो ये वायदा कहते थे कि हम जींद को चमका देंगे, जींद की तरक्की कर देंगे, तो जो जींद लगातार पिछड़ेपन का शिकार है, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि जींद की भी तरक्की करें। अब हरियाणा की और देश की तरक्की का तो ज़्यादा मौका इनको मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो वायदे किए हैं वो पूरे करके दिखाए। चुनाव चल रहा और चुनाव के बीच में नौकरियों की लिस्ट निकालना, वो कहाँ तक उचित था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने इस बात को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए और इलेक्शन कमीशन को अब संज्ञान लेना चाहिए। अब तो मुझे नहीं लगता कि बाई इलेक्शन में जो ये जिस तरीके से गड़बड़ इन्होंने की, उस तरीके से चुनाव आयोग, अब क्योंकि संपूर्ण राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर चुनाव है, उस तरह का ये कुछ कर पाएंगे। तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में अपने जो भी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी उसकी प्रक्रिया हमारी शुरू है और जल्दी हम लोग अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। बेहतरीन उम्मीद
बड़े चेहरे, ये तो जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा जिस संसदीय क्षेत्र में, उसका रुझान और फीडबैक हम लोगों ने, हमारे जो प्रभारी हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने भी एक एक व्यक्ति से मिलकर जो फीडबैक भी लिया है, चाहे वो MLA हो, XMLA हो, पूर्व सांसद हो, संगठन के पदाधिकारी और जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग हैं, लगातार एक महीने से ज़्यादा से वो इसी एक्सरसाइज में है। हम लोगों का अपना फीडबैक है और जल्दी हम उस फीडबैक के ऊपर, मोटी मोटी चर्चा हुई है लेकिन अब और गहनता के साथ और गंभीरता के साथ हम उसके ऊपर चर्चा करके और जल्दी उम्मीदवार फाइनल करेंगे। मेरे तो छह नहीं, मैं दो दिन से भाई साहब सोया नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तो कमी किसी की नहीं है। मैं तो पूरा, बाकी तो संघर्ष करते हैं, कभी चमक आ जाती है कभी चली जाती है, ये तो सब चल रही है। बीके हरिप्रसाद से, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह उदागा समर्थन कर रहे हैं, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बदलाव भी चल गया या कुछ और अध्यक्ष के साथ कुछ कार्य करे अध्यक्ष जोड़ेंगे, क्या ये अभी करने जा रहे होंगे? देखिए, ये तो जो चर्चाएँ हैं वो तो चर्चाएँ होती हैं, उसके आधारहीन चर्चाएँ हैं। और जहाँ तक मामला हटाने का है, तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि केंद्र से मोदी हटे और प्रदेश से खट्टर हटे, और इसी के माध्यम से आने वाले समय में लोग चैन की सांस ले पाएंगे। नहीं तो ये देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश है और गरीब किसान मजदूर के हितों के ऊपर प्रहार। एक आपने मध्य प्रदेश में एक जो आपने कार्ड खेला था, या एक आपने जो रणनीति बना के चले थे, एक प्रधान जी के साथ तीन आपने चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, क्या हरियाणा में भी ऐसा करने जा रहे हो? देखिए, ये तो हर प्रदेश की अलग तरीके की राजनीतिक जरूरतें होती हैं, समीकरण होते हैं और उसके आधार पर ये फैसला होता है। अब तो सीधे मैं समझता हूँ कि चुनावी मैदान में जाने का मामला है, अब ये सब समय वो चला गया है जिसने जो मेहनत करी। अब तो संगठन हमारी बूथ की प्रक्रिया जारी है, अगले 5-7 दिन के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जितनी भी बूथ कमेटियाँ हैं वो सारी गठित हो जाएगी। जनसंपर्क हमने किया, उसका पूरा फीडबैक हमारे पास है, तो अब तो बूथ स्तर पर लड़ाई का मामला है और बूथ स्तर पर कांग्रेस बहुत मजबूत है और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति। चुनाव कुमार सैनी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कार्यकर्ताओं को काला कुत्ता इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत तरह के विवादित बयान उनके आए हैं। अपने ही वर्कर को जो कुत्ता कह दे, भेड़िया कह दे, उनको ये कहो कि मेरी ऐसे करो मदद, नहीं तो तुम जो है तुम्हारे बाल गोपाल को वो खतरा हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अपरिपक्वता इससे दिखती है, या जो कार्यकर्ता और नेताओं के प्रति जो एक सम्मान की जो भावना होती है उसकी कमी दिखती है। बाकी उनका पार्टी के लोग हैं, अगर उनको लगता है कि इसी तरीके से सुनना है तो वहीं रहे, नहीं तो कांग्रेस में स्वागत है, हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। चुनाव की तारीखों को लेकर विवाद है, रमजान के बीच में रखा गया है चुनाव, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो 6 जून से पहले पहले चुनाव होना था। हाँ, ये जरूर है कि एक हफ्ता डिले अभी किया गया, वो इसलिए किया गया कि मोदी जी ने कुछ शिलान्यास करने थे, कुछ उद्घाटन करने थे, नहीं तो रमजान और ये तो दोनों कोइंसिडेंस, वो 6 जून से पहले पहले ये चुनाव होने हैं। पूरे हिंदुस्तान में रमजान पूरी दुनिया मनाया जाता है, इधर हमारा जो चुनाव हर चीज़ को लेकर के भी हम बहुत ज़्यादा वो करें, लेकिन एक हफ्ते का डिले जरूर हुआ है। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से जींद विधानसभा उपचुनाव में लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस के उम्मीदवार आए, इस बार कुछ पहले करेंगे या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही आप डिक्लेयर करेंगे? नहीं, प्रक्रिया जारी है और मैं समझता हूँ कि जब समय आएगा तो उम्मीदवारों की घोषणा होगी, तो कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी करें, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट मैदान में उतरता है वो चुनाव आचार संहिता, वो जो खर्चा है वो शुरू हो जाता है, तो जितना हम इसको वो कर सकेंगे उतना कोशिश करेंगे। देरी से उम्मीदवार घोषित करने की कांग्रेस को हमेशा कम ज़्यादा रोकना पड़ेगा, अभी आपके पास 2 महीने का समय, कोई डेट अगर जल्दी घोषित होंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा? जल्दी उसकी कोशिश होगी और मैं समझता हूँ कि
उसके ऊपर पार्टी विचार भी कर रही है, और ये पहले भी हमारे एंटनी कमेटी की भी रिपोर्ट थी कि हमें 6 महीने पहले करना चाहिए, और बहुत से सुझाव थे, लेकिन उसके दोनों पहलू बहुत सी चीज़ों के रहते हैं। हमारी प्रक्रिया वो शुरू है, और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी संभव हो वो हम अपनी तरफ से आगे करके भेजें। उसके बाद अंतिम फैसला तो CEC में होगा, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उन लोगों ने करना होता है कि ये कब AICC के लेवल पे कि चुनाव के जो हमारे उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उसकी घोषणा कब करें। उम्मीदवार के लिए मानदंड कोई तय किए जाएंगे? मानदंड और मापदंड तो यही है कि कांग्रेस का समर्पित साथी हो, जितने की उसकी कैपेसिटी हो, संघर्षशील हो, जो साफ सब स्वच्छ उसकी छवि हो, तो यही कोशिश है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उचित हो, बाकी अच्छे कैंडिडेट निकल कर के आ रहे हैं बहुत। तो एक तरफ भाजपा के पास कैंडिडेट ही नहीं है, आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था जी, प्रदेश में कांग्रेस भी किसी से गठबंधन की सुने थे? नहीं, गठबंधन का कोई मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, ना ही इस तरीके के कोई आसार है, ना कोई नेतृत्व की तरफ से बात है। तो इकलौते कांग्रेस अपने बूते के ऊपर जनता के आशीर्वाद से, समर्थन से, सहयोग से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आप कहाँ से लड़ेंगे? मेरे को तो पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं तो 10 की 10 सीटों पे काम करेंगे। हम तो कह रहे थे कि विधानसभा के चुनाव भी साथ होंगे, लेकिन जो है सरकार डर गई, भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ नहीं डर गई और प्रदेशों में भी डर गई। ये कहते थे हम महाराष्ट्र में करवाएंगे, हरियाणा में करवाएंगे, झारखंड में करवाएंगे, जम्मू कश्मीर में करवाएंगे, तो सरकार को ये 3 राज्यों के नतीजे जो आए पीछे कांग्रेस के पक्ष में, और 5 राज्यों में जो भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, और जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग लगातार सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे NHRM उनके जो डॉक्टर हैं, दूसरे स्टाफ हैं, उनकी हड़ताल थी आए दिन, कभी आंगनवाड़ी वालों की है, कभी आशा वर्कर की है, कभी रोडवेज के कर्मचारी हैं, और लोगों के अंदर भी भारी असंतोष है। उसको देखते हुए मोदी जी ने सुना है, ये कहा कि भाई मेरे सारे तरने की कोशिश मत करो, मैं तो खुद डूब बना रहा हूँ। तो अब डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ वापसी करेगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब की बार जितने भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने वाले हैं लगभग सारे क्योंकि वो आजमाना भी चाहते हैं। नहीं, बेहतरीन जो उम्मीदवार है वही कांग्रेस की तरफ से मैदान में होंगे, बेहतरीन वही है जो मजबूत हो। तो कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा पहलवान इस अखाड़े में, चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी उतारे, और वो हमारे हर लोकसभा के अंदर तैयार। बहुत आपने कहा नहीं, आपने कहा आपने सभी चर्चाओं बता दिया, ये चर्चाएं 5 साल से चल रही है कांग्रेस को। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो 5 साल से चर्चाएं चल रही है, अध्यक्ष बदला नहीं गया, वो बदलना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, चर्चाओं से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए बनू तैयार ही किस आधार पर हरियाणा जीत। आधार तो लोगों का साथ है, अब तो नहीं जींद, देखिए जींद में नहीं समझता कि पूरे हरियाणा का रिफ्लेक्शन है, यहाँ का अलग मामला था, 2-3 चुनाव में पीछे भी हमारी सरकार थी तब भी बहुत अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया था। तो कई बार होता है कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं तो सब जगह जाऊँगा रोहतक, मैंने कहा 10 की 10 लोकसभा जिताना मेरा लक्ष्य है, ध्येय है, धर्म है, और उसको अशोक तंवर निभाएगा। अगर आप सत्ता से लड़े तो रोहतक वाले चुनाव प्रचार बुलाएंगे? सब आएंगे, सब एक दूसरे को जाएंगे, सब मिलकर के ही पार्टी मजबूत होगी, ठीक है जी। हाँ, 9 फुट कांग्रेस एकजुट।